नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। पर्ची डालकर किया गया ग्राम पंचायत प्रत्याशी का चयन। उत्तर प्रदेश के बागपत के कोताना गांव में एक अजीब गरीब वाक्य देखने को मिला, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी का चयन पर्ची डालकर किया गया, जिसके बाद समाज के सभी जिम्मेवार लोगों ने प्रधान पद के प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया और पगड़ी बांधकर मजबूती से चुनाव लड़ाने का आह्वान किया। दरअसल आपको बता दें कि बड़ौत तहसील के कोताना गांव में मल्हा बिरादरी के दो प्रत्याशी आमने सामने ग्राम पंचायत चुनाव में खड़े हुए थे, जिसके बाद बुधवार को मल्हा बिरादरी के कोताना गांव में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सभी जिम्मेवार लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दोनों प्रत्याशियों की पर्ची पंचायत के बीच में निकाली जाएगी और जिसकी पर्ची आएगी वही चुनाव में खड़ा होगा। पंचायत में दोनों प्रत्याशियों की पर्ची निकाली गई, जिसमें सबीर प्रत्याशी की पर्ची निकली, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि अब केवल सबीर अकेला चुनाव मैदान में खड़ा होगा, जबकि दूसरा प्रत्याशी रहीस अब चुनाव में नहीं खड़ा होगा। समाज के सभी जिम्मेवार लोगों ने प्रधान पद के प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया और पगड़ी बांधकर मजबूती से चुनाव लड़ाने का आह्वान किया। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट, देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। सबीर है जी, पंचायत हुई बिरादरी की, उसमें ये हुआ रहीस भाई और हम दोनों कैंडिडेट थे और बिरादरी ने हमें दोनों को समझाए बुझाए और समझा बुझा के हमारी पर्ची डाल दी। पर्ची डालने के बाद में मेरे नाम से पर्ची निकल गई। इस टाइम पूरी बिरादरी एक हो के मुझे इलेक्शन लड़ा रही है। लॉटरी के द्वारा आपका नाम आया? जी, लॉटरी के द्वारा मेरा नाम आया है। अब दोनों प्रत्याशी एक हो के दोनों को लड़ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस प्रधान, पूर्व प्रधान। पंचायत करी आज? हाँ जी, कोताना गाँव में आज एक पंचायत हुई है, पूरी कौम की एक पंचायत हुई, जिसमें हमारी बिरादरी के मल्ला बिरादरी के दो प्रत्याशी सब्बीर और रईस, हम दोनों चुनाव लड़ते थे हैं, तो समाज ने सबने इकट्ठा होकर दोनों को पर्ची डाल दी हैं। और दोनों की पर्ची डालने के बाद में सब्बीर की पर्ची निकट गई। मैं इस पर सहमत हूँ, गाँव भी यही चाहता है।